अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन महमूद। वेलकम टू ज़ायोंस। ये हमारी बबल डॉट आईओ की सीरीज में आठवीं वीडियो है। अभी तक हम सात वीडियोस को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने बबल डॉट आईओ से गेटिंग स्टार्टेड कर लिया है, ऐप क्रिएट कर ली है, अपनी ऐप के टॉप बार को, उसकी साइड बार को, उसमें यूआई टैब को, रिस्पॉन्सिवनेस को, कंपोनेंट ऐड करने के तरीके को, हालांकि इस वीडियो में हम उसको रिपीट करेंगे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन उसको कवर कर लिया। उसके अलावा देख लिया कि अपनी ऐप को प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं, अरेंज कैसे कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत अच्छा और कवर करेंगे, लेकिन हम उनसे वॉक थ्रू कर चुके हैं। उसके अलावा हम प्लान्स जानते हैं और हम ये जानते हैं कि हमने बबल डॉट आईओ को सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। इस वीडियो का एजेंडा क्या है? इस वीडियो का एजेंडा ये है कि हमने बेसिकली कंपोनेंट से कंटिन्यू करना है। हमने ये देखना है कि कंपोनेंट क्या होते हैं, हमें पता है लेकिन एक दफा रिपीट कर लेते हैं बेहतर है। कंपोनेंट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, हमें पता है लेकिन रिपीट कर लेते हैं बेहतर है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनमें फर्क क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कंपोनेंट एडिटर से गेटिंग स्टार्टेड करेंगे, जिसके बाद के नेक्स्ट तीन वीडियो में हम बेसिकली अपीयरेंस टैब, लेआउट टैब और कंडीशनल टैब को डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके अलावा भी कंपोनेंट एडिटर में कुछ हिडन फीचर्स हैं जो कि आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्राउजर को ओपन कर लूंगा। टैब्स हमारे पहले से ही ओपन है। मैं यहाँ पे जल्दी से आ जाऊंगा अपनी ऐप के अंदर और वापस आ जाऊंगा यूआई बिल्डर के अंदर। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो कंपोनेंट्स क्या हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। लिटरली हमने अभी तक इसको बहुत ज्यादा दफा रिपीट कर लिया यार, अभी तो बता दो मुझे। कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताएं कि कमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वीडियो को पॉज करें और प्लीज इसे कंप्लीट करें। जी हाँ, कंपोनेंट्स बेसिकली रीयूजेबल एलिमेंट्स हैं और शो टेस्ट टर्म में एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी यूआई को बना रहे हैं। मैंने एक बटन ऐड किया है, ये कंपोनेंट है। मैं एक इमेज ऐड करता हूँ, ये कंपोनेंट है। मैं एक लिंक ऐड करता हूँ, ये कंपोनेंट है। मैं कंटेनर, पॉपअप, इनपुट एलिमेंट, मैं इन यूआई बिल्डर एलिमेंट्स में से कोई भी चीज ऐड कर लेता हूं, वो एक कंपोनेंट है। मैं कंपोनेंट्स को मिलाकर और मैं कंपोनेंट्स को यूज करते हुए रीयूजेबल कंपोनेंट्स भी बना सकता हूं, जो कि बेसिकली मैंने पहले भी काफी दफा ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि ये छोटा एलिमेंट ये कंपोनेंट है, दो तीन छोटे कंपोनेंट मिलके बड़ा कंपोनेंट या सेक्शन एक बना देते हैं, जिसको इसने रीयूजेबल कंपोनेंट्स का नाम दिया है। और वो चीजें मिलके हमारा एक पेज बनाती हैं और पेजेस मिलके हमारी ऐप बनाती हैं। ये कॉन्सेप्ट है। हमने अभी तक क्या कवर कर लिया है इस वीडियो के एजेंडा में से? हमने बेसिकली गेटिंग स्टार्टेड विद कंपोनेंट्स कवर कर लिया और ये समझ लिया कि कंपोनेंट्स क्या चीजें हैं। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे कि कंपोनेंट को ऐड या क्रिएट करने का तरीका क्या है। चलते हैं इसकी तरफ। बबल डॉट आईओ में कंपोनेंट को ऐड करने का तरीका अभी तक मैं आपको काफी दफा दिखा चुका हूँ। होपफुली आपको वो तरीका समझ आ गया होगा। प्लीज वीडियो को पॉज करें और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर एक इनपुट के कंपोनेंट को इंसर्ट करें, जो कि ये बेसिकली ये जो कंपोनेंट है, ये जो भी मैंने यहाँ पे ये इमेज का कंपोनेंट है, यस ओके, इस कंपोनेंट के इस कॉर्नर से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके यहां से लेके यहां तक वो कंपोनेंट बेसिकली आना चाहिए। प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस चैलेंज को कंप्लीट करें। होपफुली आपने इसे ट्राई किया होगा। अब हम इसे मिलके कंप्लीट करेंगे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी इनपुट कंपोनेंट की, हम यहाँ पे इनपुट कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, यहाँ से बेसिकली इस पे जरा नजर रखेंगे कि ये ऑलमोस्ट ये देखें, ये बेसिकली क्योंकि व्हाइट ही है उसको भी, इसको मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से। क्या मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ? यहाँ पे इसका कलर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं। इनपुट पे क्लिक करते हैं, ये बेसिकली है। मैं इस पे रख के नीचे ऐसे आ जाऊंगा, ये बेसिकली क्योंकि व्हाइट ही है इसका एक तरीका, ये चले उसके चेंज कर दिया, थैंक गॉड। यहां से रख के मैं ड्रैग करूंगा जितना मुझे इनपुट चाहिए। मैंने सिर्फ विड्थ का कहा था, हाइट आप जितनी मर्जी रख सकते थे। यहां तक रखा, छोड़ूंगा और आप देख सकते हैं कि वो बेसिकली इनपुट एलिमेंट उसने इंसर्ट कर दिया है।
ये ऊपर क्यों चला गया, ये बेसिकली एक कंप्लीट अलहदा चीज है और ये हम स्टडी करेंगे बाद में जब हम लेआउट्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अभी के लिए ये हमारी कंसर्न नहीं है, मेन जो हमारा काम था वो कंपोनेंट को ऐड करना था। नेक्स्ट, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपोनेंट को डिलीट करने का क्या तरीका है, उसके बाद हम एक दो दफा इसको रिपीट करेंगे, कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और इस चीज से तसल्ली के साथ फैमिलियराइज हो जाएंगे कि bubble.io में कंपोनेंट को ऐड कैसे करते हैं। bubble.io में कंपोनेंट को डिलीट करने के 2 से 3 तरीके हैं। मैं होप करता हूं कि आपको अभी तक वो भी पता चल गए होंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में उनके नाम मेंशन करें कि पॉइंट्स ना आके मुझे मेंशन करके बताएं कि ओके bubble.io में ये तरीके हैं जिनके थ्रू हम कंपोनेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस चैलेंज को कंप्लीट करें। जी, bubble.io में कंपोनेंट को डिलीट करने के हमारे पास जो तरीके अवेलेबल हैं, सबसे पहला है कंपोनेंट पे क्लिक करें जिसको डिलीट करना है और डिलीट का बटन दबा दें, वो कंपोनेंट डिलीट हो जाएगा। अंडू करते हैं, क्लिक करें, राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा। अंडू करते हैं, क्लिक करें और बेसिकली वो कंपोनेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दें। ऑब्वियसली ये तरीकाकार वही है जो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो कंपोनेंट डिलीट हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे अंडू करते हैं और कंपोनेंट को सिलेक्ट करें। डिलीट की बजाय आप बैकस्पेस भी प्रेस करेंगे तब भी वो कंपोनेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये 3 से 4 तरीके थे हमारे पास कंपोनेंट को डिलीट करने के। नेक्स्ट, उसकी हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं कंपोनेंट ऐड करने की। प्लीज यहां से कोई भी 3 से 4 कंपोनेंट्स आप यूज करें, प्लीज मेक श्योर करें कि वो विजुअल कंपोनेंट हो या इनपुट कंपोनेंट्स हो, क्योंकि जो कंटेनर कंपोनेंट्स हैं वो जरा डिफरेंटली बिहेव करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी इनपुट या विजुअल कंपोनेंट्स में से 3 या 4 कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी यूआई में इंसर्ट करें, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से। वीडियो को पॉज करें और इस चैलेंज को कंप्लीट करें। होपफुली आपने इसे कंप्लीट किया होगा। मैं यहाँ पे इसे क्विकली फिनिश करूंगा। आइकॉन 1, ये बेसिकली मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, मैं ड्रैग एंड नहीं करके उसकी विड्थ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। मैप क्लिक, उसके बाद शेप क्लिक और लास्टली लेट्स से कि मैं जाना चाह रहा हूँ बिल्ड विद bubble.io क्लिक, दैट्स इट। ये मैंने 4 एलिमेंट्स को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ऑब्वियसली मैंने बेसिकली उनकी अरेंजमेंट का ख्याल नहीं रखा, किसी चीज का ख्याल नहीं रखा, सिर्फ टेस्ट को कंप्लीट किया है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट, अब हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट टाइप्स bubble.io। सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर लूंगा और इन एलिमेंट्स को डिलीट कर लूंगा। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर लेंगे और अपनी यूआई को क्लीन कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया। एलिमेंट ट्री में हमारे पास सिर्फ इंडेक्स पेज है जो कि हमारा पेज इटसेल्फ है। अब हमारे इस क्लीन पेज में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास बेसिकली कौन कौन सी कंपोनेंट की टाइप्स अवेलेबल है। सबसे पहले विजुअल एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स, बेसिकली प्लीज ये दोनों इंटरचेंजेबल है। जब भी मैं कंपोनेंट कहूं या एलिमेंट कहूं दोनों का एक ही मतलब है। विजुअल एलिमेंट्स जो के यूआई जो नजर आएंगे, ठीक है, जो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट, बटन, आइकॉन, लिंक, इमेज, शेप, अलर्ट, वीडियो, एचटीएमएल, मैप, बिल्ड, या फिर हम ज्यादा इंस्टॉल कर सकते हैं और ज्यादा प्लगइन्स के थ्रू, ये वो चीजें हैं जो कि हमें नजर यहाँ पे आ रही है। मैंने बताया ये बटन हमारे पास आ गया, ये बेसिकली विजुअल है। उसके अलावा हमारे पास बेसिकली कंटेनर्स है। कंटेनर्स अगर आप HTML बैकग्राउंड के साथ हैं तो ये समझ लें बेसिक सिंपल बटन टैग है। जो कंटेनर्स हैं वो आप इस तरह समझ सकते हैं कि वो बेसिकली डिव्स हैं जो कि एट द एंड यूआई में डिव तो नजर नहीं ना आती, लेकिन डिव में जो यूआई एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स, हेडिंग्स, बटन्स, वो नजर आते हैं। लेकिन डिव हम क्यों यूज करते हैं? हम बेसिकली अरेंजमेंट करने के लिए, एलिमेंट्स को अलाइन करने के लिए, सेट करने के लिए, उनका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको कंट्रोल करने के लिए कंटेनर्स की यूज करते हैं। दूसरे HTML की लैंग्वेज में बेसिकली डिव्स जिनको हम कहते हैं, तो कंटेनर्स हम यूज करते हैं जब हमने, मैं चाहता हूं कि ये जो बेसिकली बटन है ये सेंटर में शो हो। तो बेसिकली वंस अगेन ये बेसिकली लेआउट और स्टाइलिंग के रिलेटेड है। हम इसको रिपीट करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी इसको अचीव करने के लिए मुझे ये एलिमेंट सेंटर में चाहिए। तो सबसे पहले मुझे एक कंटेनर यूज करना पड़ेगा। मैंने एक कंटेनर यूज किया,
कंटेनर यूज किया तो आप देख सकते हैं कि भाई ये कंटेनर ये इंसर्ट हो गया, और यहां से भी मैं देख सकता हूं कि ये कंटेनर आया। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है, मैं इस पर फिर डबल क्लिक करता हूं तो ये कंटेनर है। अब सबसे पहले मुझे ये बटन उठा के इस कंटेनर में रखना पड़ेगा। दो से तीन तरीके हैं। एक तरीका का ये है कि मैं इस बटन को ड्रैग करूं, और ये जब बेसिकली इसको ड्रैग करके और इसके अंदर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये नहीं हुआ। यहां से आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये बेसिकली ग्लोब ए है और ये बटन, ये जब इसके सब में आ जाएगा ना, इसकी इंटेंडेशन थोड़ी आगे हो जाएगी तब ये इसके अंदर आ जाएगा। तो आसान तरीका का ये है कि आप इसको कंट्रोल एक्स करें, ये फुल विड्थ हो गया, इस पे क्लिक करें बटन ए, सॉरी ग्रुप ए पे, कंट्रोल वी कर दें। ये जरा आसान तरीका है और मुझे ये पसंद है। उसके अलावा एक तरीका का ये, इसको मैं बाहर निकालना काफी आसान है, वो ये है कि आप यहां से ड्रैग करके उस एलिमेंट में बेसिकली उसको पुट कर दें, तो ये भी जरा आसान तरीका। अब जो हमारा चैलेंज था वो ये था कि इस बटन को हमने सेंटर अलाइन करना है। उसके लिए हमने ये ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया। अगेन हम इन चीजों को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब मैं इसको बहुत आसानी से अचीव कर सकता हूं। मैं बटन पे क्लिक करूंगा, अगेन बटन का इस ग्रुप में होना जरूरी है। लेआउट पे आऊंगा और यहां पे बेसिकली अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि इसको बेसिकली मैं अलाइन कर दूं, और मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा और वो सेंटर अलाइन हो जाएगा, और इसी से मेरा बेसिकली चैनल। और अगर मैंने राइट अलाइन करना है तो मैं राइट कर लूंगा, वो भी काफी आसान है। तो इसके साथ बेसिकली विजुअल एलिमेंट्स जो नजर आ रहे हैं, कंटेनर एलिमेंट्स जो कि उनकी बेसिकली प्लेसमेंट और उनके मेन जो स्टाइलिंग है और उनकी फॉर्मेटिंग है उसको मैनेज कर रहे हैं, वो खुद यूआई में नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो दूसरे यूआई एलिमेंट्स हैं, जो विजुअल एलिमेंट्स हैं, उनकी पोजिशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी जैसे वो नजर आएंगे उनको कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट एलिमेंट्स, क्योंकि अगर इनपुट एलिमेंट्स नहीं होंगे तो यूजर आपकी ऐप में कोई भी डाटा इनपुट नहीं कर सकता, तो उसके बिना कोई भी ऐप काम नहीं करेगी। तो मैंने यहाँ पे इनपुट एलिमेंट को क्रिएट किया और वो एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, और दैट्स इट। बेसिकली इनपुट एलिमेंट्स जो हमारे यूजर से डाटा लेने के लिए, कंटेनर एलिमेंट्स यूआई को कंट्रोल करने के लिए, और विजुअल एलिमेंट्स एक्चुअल कुछ यूआई शो करवाने के लिए, ये हमारे पास कंपोनेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट अब हम बबल डॉट आईओ में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उससे स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? एलिमेंट एडिटर, कंपोनेंट एडिटर, इससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर लूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपोनेंट एडिटर को ओपन करने के तरीके क्या है। अगर आपको पहले ही पता है तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बताएं कि कंपोनेंट एडिटर को, इस कंपोनेंट को एडिट करने के लिए, जो कंपोनेंट एडिटर है उसको ओपन करने के कितने तरीके हैं और वो कौन कौन से हैं। जी हाँ, हमारे पास बेसिकली मेनली दो हैं, उसके अलावा भी काफी हैं, लेकिन मेन जो है वो दो हैं। सबसे पहले कि आप कंपोनेंट जिसको एडिट करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे, उसका एडिटर ओपन हो जाएगा। ओके, अदरवाइज आप उस कंपोनेंट पे राइट क्लिक करके एडिट करेंगे तब भी वो ओपन हो जाएगा। और फाइनली बेसिकली जो कि सिमिलर है इसी की तरह, आप एलिमेंट ट्री में से उस कंपोनेंट पे अगर राइट क्लिक करके एडिट करेंगे तब भी उसका जो कंपोनेंट एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। खैर, आज की वीडियो के लिए मेनली इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस कंपोनेंट एडिटर्स पे ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम अपीयरेंस टैब पे स्टार्ट करेंगे और उसके जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और आपने अभी तक अपने काफी ज्यादा दोस्तों के साथ, आप बाबों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ और जानने वालों के साथ कोर्स को शेयर कर दिया होगा, और वो भी इस कोर्स से फायदा हासिल कर रहे होंगे। वीडियो के रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड, चैनल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.